हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था सॉइल फॉर्मेशन और कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कैसे सॉइल बना था कितने हजारों सालों में, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सॉइल में आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में देखा था कि सॉइल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सॉइल कंटेन करता है। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, और इसमें आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स भी, आप लोगों ने एक्टिविटी का वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था सारे एक्टिविटी का, उसके बाद आप लोगों ने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लासवर्क में करके दिखाया था, ठीक है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन हियर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। तीन तरह के सॉइल होते हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोमी। पहला क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंडी सॉइल के बारे में, जानते हैं सैंडी सॉइल कैसा होता है। तो सैंडी आपको जैसा नाम ही से लग रहा है, सैंड, सैंड मीन्स होता है बालू, तो आपको लग रहा है कि ये सैंडी सॉइल जो है वो सैंड से ही बना होगा। सो यहाँ पर वो लिखा हुआ भी है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मेड ऑफ सैंड। ये इस तरह का जो सैंड होता है, सॉयल होता है, सैंडी सॉयल, वो सैंड से बना होता है। इट इज़ फाउंड ऑन द सी शोर और इन द डेजर्ट। ये कहाँ पाया जाता है, सी शोर समुद्र के किनारे पाया जाता है, और डेजर्ट, सी शोर समुद्र के किनारे बीच होता है ना, बीच में पाया जाता है, और डेजर्ट रेगिस्तान में जो सिर्फ सैंड ही सैंड होता है उसको सैंडी सॉयल ही बोलते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, पर इसके पार्टिकल्स में है ना बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ जितना बड़ा होगा तो एयर, उसके अंदर एयर स्पेस आसानी से क्रॉस कर सकता है, पार हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ येलो, ग्रे और ब्राउन इन कलर। कैसे कलर का होता है, या तो येलो होता है, या ग्रे होता है, या फिर ब्राउन कलर का होता है। इट कैन नॉट होल्ड वाटर, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पेस होता है, इसलिए इसे पानी रुकता नहीं है, इसे क्रॉस कर जाता है, ठीक है। ये ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब सोख नहीं पाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स बाई मिक्सिंग इट विथ सीमेंट, और इसको सीमेंट के साथ मिला करके, जो सैंड आप देखते हो ना बालू, उसको मिला करके सीमेंट के साथ घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इस सैंडी सॉयल में बहुत कम ही प्लांट्स ग्रो होते हैं, बहुत कम प्लांट्स उगाए जाते हैं, जैसे कि डेट पाम है, खजूर का पेड़ हो गया, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स जो, जैसे कि डेजर्ट प्लांट कौन सा होता है, कैक्टस होता है, उसको कम पानी की ज़रूरत होती है। जो वैसे प्लांट्स जिसमें जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है, वो सारे प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो करते हैं, सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं। कोकोनट ट्री, वो भी, उसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भी सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल कैसा होता है, दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कण कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं। इट इज़ फाउंड नियर रिवर्स और पॉन्ड, और ये कहाँ पाया जाता है, रिवर, नदी या तालाब के किनारे पाया जाता है। नो एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, और इसके पार्टिकल्स चूंकि बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, इसलिए इसके उनके बीच स्पेस नहीं होता है, और एयर नहीं पाया जाता है इसमें। इट इज़ स्टिकी एंड हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और स्टिकी होता है, चिपचिपी, चिपचिपा मिट्टी होता है, क्योंकि आप देखा होगा कि नदी और तालाब के किनारे जाते हो तो आप कभी कभी फिसल भी जाते हैं लोग, है ना, फिसल के गिर जाते हैं तालाब में, क्यों, क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होता है, चिकनी मिट्टी होती है इसकी वजह से, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स, टाइल्स एक्सेट्रा, टाइल्स बनाने के लिए, पॉट्स, घड़ा जो बनाने के लिए, ये क्लेई सॉइल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक राइस एंड वीट ग्रो इन क्लेई सॉइल, और क्लेई सॉइल में कौन से प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, कौन से प्लांट्स उगाए जाते हैं, राइस और वेट, गेहूँ और चावल जो होते हैं वो क्लेई सॉइल में उगाया जाता है, ठीक है। लोमी सॉइल, अब देखो नेक्स्ट है हमारा लोमी सॉइल। लोमी सॉइल किस तरह का सॉइल होता है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल, मतलब ये इसमें सैंड भी होता है और क्ले, ये थोड़ी सी चिपचिपी भी होती है, दोनों टाइप के सॉइल का ये मिक्सचर होता है, मिलावट, मिला हुआ होता है। इट हैज अ लॉट्स ऑफ ह्यूमस एंड कैन होल्ड बोथ वाटर एंड एयर, और इसमें बहुत सारे ह्यूमस होते हैं जो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं ना, डेड रिमेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ह्यूमस है, और फिर इसके अंदर बहुत सारा वाटर भी ये अब्जॉर्ब कर सकता है, एयर भी होता है, स्पेस भी होता है, इसलिए इस वजह से इस मिट्टी को फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये लिखा हुआ भी यहाँ पर है, इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। देखो ये किस तरह का, कैसे कलर का है, खेत में जो हम लोग मिट्टी देखते हैं ना जिसमें फसल उगाया जाता है, वो लोमी सॉइल ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ सॉइल। अब ये तो देखा टाइप्स ऑफ सॉइल, तीन तरह का टाइप्स होता है, तीन तरह के प्रकार का सॉइल होता है, थ्री टाइप्स का, सैंडी, क्ले एंड लोमी। अब देखते हैं हम लोग यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल को और किन किन कामों में यूज किया जाता है। बट इज रिटन हियर प्लांट्स आर अ सोर्स ऑफ फूड एवर फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये तो हम लोग को पता है कि प्लांट्स जो है वो खाने का सोर्स है, खाने का जरिया है ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। तो प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में, मिट्टी में ही तो ग्रो होते हैं ना। हाउ एवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर तरह की फसल को, अलग अलग तरह की फसल को अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए उगने के लिए। फार्मर्स एड मैन्यूर टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। और जो मिट्टी अच्छी नहीं होती इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, खाद मिलाते हैं, मैन्यूर मिलाते हैं, मैन्यूर खाद को बोलते हैं, और उसको उपजाऊ बनाने के लिए, सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें मैन्यूर ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्यूर इज मेड अप ऑफ काउ डंग एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स सड़ जाते हैं ना, और काउ डंग होता है, गाय का गोबर होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उन सारे चीज़ों को मिक्स करके उसको ही, उससे ही मैन्यूर खाद बनाया जाता है, उसको मिट्टी में मिक्स किया जाता है, तो जा करके फसल जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल इज होम टू मेनी एनिमल्स लाइक एंट, स्नेल्स, बीटल, अर्थ वॉर्म्स एक्सेट्रा। और सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होती है, बहुत सारे एनिमल्स का, जानवरों का घर भी है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि स्नेल, चींटियां हैं, स्नेल एंट्स हैं, स्नेल है, बीटल्स है, अर्थ वॉर्म है ना। ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, जमीन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, सॉइल इज यूज टू मेक ब्रिक पॉट्स, दियाज एंड कच्चा हाउसेस। कच्चा हाउस बनाने के लिए दिया, दिवाली में जो आप दिया यूज करते हैं ना, वो किससे बना होता है, क्ले से ही, मिट्टी से ही बना होता है, सॉइल से ही बना होता है। पॉट्स, घड़ा, ईट, ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईट होता है, घर बनाने में जो ईट यूज किया जाता है ना, वो भी किससे बनता है, वो भी सॉइल से ही बनता है। ठीक है, फिर क्या है, सॉइल इज यूजफुल मिनरल्स लाइक डायमंड, ग्रेनाइट, मार्बल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। और बहुत सारे मिनरल्स भी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेनाइट और मार्बल। ये सारे मिट्टी में ही मौजूद रहते हैं, इनको मिट्टी से ही, जमीन खोद करके अंदर से निकाला जाता है ये सारे मिनरल्स को। दीज आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड हाउसेज। और आपको पता ही कि मार्बल और ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है हाउस बनाने में, और डायमंड का यूज़ होता है ज्वेलरी बनाने में। जो वुमेन पहनती है ना ज्वेलरी, इयररिंग्स, नेकलेस, वो सारे ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ डिड यू नो में एक फैक्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एक बात लिखी हुई है, अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज दे डिग द सॉइल एंड अलाउ द एयर टू मूव इन, दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जहाँ पर कि मिट्टी बहुत कसी हुई होती है ना, जहाँ पर कोई एयर नहीं होता, वहाँ पर क्या करता है अर्थवर्म, वहाँ पर अंदर तक मिट्टी के अंदर जा करके वहाँ उसको स्पेस देता है, मिट्टी को अब खुद जाता है तो रास्ता बनता है, तो उसके अंदर स्पेस जाता है और एयर भी आर पार होते जाता है। तो वो क्या करता है, अर्थवर्म जो है जमीन को अंदर तक खोदता है, उसको फर्टाइल बनाता है। तो इसलिए अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फार्मर्स का, किसानों का दोस्त भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है, ये तो था आपका चैप्टर जो कि एंड हो गया। आई होप यू ऑल हैव गेट व्हाट आई हैव टीच यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन पर टिक करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है बुक में, जितने चैप्टर अभी तक आप लोग को पढ़ाए हैं स्टूडेंट्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से देख लीजिएगा, मे बी दैट कम इन योर एग्जाम, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, सो वॉच दैट केयरफुली। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ अर्थ का सबसे ऊपरी सतह कौन सा होता है, तो आपको पता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, वो पृथ्वी पर सबसे ऊपर में ही पाया जाता है, टॉप लेयर सॉइल ही है। तो इसमें हम लोग सॉइल पर टिक करेंगे। अर्थवर्म्स एंड स्नेल्स, इवन अर्थवर्म और स्नेल्स कहाँ रहते हैं, तो आप सॉइल का चैप्टर पढ़ रहे हो तो सॉइल में ही रहते हैं ना, सॉइल पर टिक करेंगे। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू, सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, पोषण पर प्रोवाइड करते हैं किसको, ह्यूमस को, डेड प्लांट्स को, प्लांट्स को या डेड एनिमल्स को, तो प्लांट्स को प्रोवाइड करते
होते हैं, न्यूट्रिएंट्स है ना, प्लांट्स उससे सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। दिस सॉइल इज स्टिकी एंड मोस्टली यूज फॉर मेकिंग पॉट। ये मिट्टी जो है चिपचिपी होती है और इसको पॉट्स बनाने के लिए, खड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो कौन सी मिट्टी चिपचिपी होती थी? क्लेई, है ना, क्लेई सॉइल को ही यूज़ किया जाता है पॉट्स और दियर्स वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ हम लोग क्लेई को करेंगे, ठीक है। फाइव में है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। ये मिट्टी जो है ये किसका मिक्सचर है? सारे सैंड का, बालू का, क्ले का और ह्यूमस का, सबका मिक्सचर है। तो लोमी सॉइल होता है ना, तो यहाँ हम लोग लोम पर टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो बात गलत होगी उसके लिए एफ लिखेंगे और जो सही होगा, जो ट्रू होगा उसके लिए टी लिखेंगे। तो फर्स्ट है, प्लांट्स डू नॉट नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को ज़रूरत नहीं होती सॉइल को, मिट्टी के प्लांट्स को मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। तो होती है, बिना सॉइल के, बिना मिट्टी के प्लांट कहाँ ग्रो होगा? तो ये तो गलत है, सो वी विल राइट फॉल्स है, ठीक है। नंबर टू, क्लेई सॉइल कंटेन्स बिगर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। क्लेई सॉइल में मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, नहीं स्मॉलेस्ट होते हैं ना, सबसे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये भी फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग एफ लिखेंगे। नंबर थ्री, सॉइल हैज़ नो लिविंग थिंग्स इन इट। सॉइल में, मिट्टी में कोई लिविंग थिंग्स नहीं रहता है, रहता है ना, बहुत सारे इंसेक्ट सॉइल में रहते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो यहाँ पर भी हम लोग एफ लिखेंगे। फोर में है, प्लांट्स ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। प्लांट्स जो है वो क्ले सॉइल में अच्छे से होते हैं, नहीं इतने अच्छे से तो नहीं होते, सिर्फ राइस और वीट होता है ना। तो प्लांट्स जो है सबसे अच्छा ग्रो करते किसमें करता है, कौन सी मिट्टी में? लोमी सॉइल में करता है। तो ये भी आई थिंक ये भी रॉन्ग है, सो वी विल ऑल्सो राइट फॉल्स है, एफ लिखेंगे। उसके बाद फाइव है, सॉइल कंटेंस रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल जो है उसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो ह्यूमस होता है वो कंटेन करता है सॉइल। तो हाँ, ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ओनली फाइव जो है वो टी लिखेंगे, बाकी का जो फोर है वो फॉल्स है, तो हम लोग एफ लिखेंगे उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में आ जाओ। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच क्या है? काइंड्स ऑफ सॉइल, टू काइंड्स ऑफ सॉइल, आपने थ्री काइंड्स ऑफ सॉइल पढ़ा, तो आपको यहाँ पर कोई भी टू लिखना है, आप कोई भी लिख देना, सैंडी क्लेई, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल कोई भी लिख सकते हो, लोमी सॉइल भी लिख सकते हो, कोई भी टू लिखना, ठीक है। नंबर टू, प्लांट्स दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल। प्लांट्स जो सैंडी सॉइल में ग्रो होते हैं वो कौन से है? तो सैंडी सॉइल में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो होते हैं? डेट पाम्स, डेट ट्री है ना, वो ग्रो होते हैं, कोकोनट ट्री है, तो आप कोई भी टू यहाँ पर लिख देना। कैक्टस भी ग्रो होता है सैंडी सॉइल में, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर थ्री, प्लांट्स दैट ग्रो इन क्ले सॉइल। क्ले सॉइल में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? तो क्ले सॉइल में राइस और वीट बताया था ना चैप्टर में, तो राइस और वीट आप लिख देना। फिर फोर में है, इंसेक्ट दैट लिव इन सॉइल। कोई भी टू इंसेक्ट का नेम लिखना है जो सॉइल में, मिट्टी में रहते हैं। तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, जैसे कि एंट है, बीटल्स है, स्नेल्स है, अर्थ वॉर्म है, तो आप कोई भी टू लिख देना, कोई भी टू इंसेक्ट का नेम लिख देना, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आंसर था, इसमें से चार, चार नहीं सॉरी थ्री, तीन क्वेश्चन आंसर मैं आपको लिखवा चुकी थी, फोर फाइव और क्वेश्चन आंसर डिटेल्स, क्वेश्चन नंबर ई मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन।